अगर नीट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या होगा? क्या इससे आगे कोई प्रॉब्लम आएगी? ऐसा बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो इसी डाउट को आज के वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप लेना चाहते हैं या पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि अगर हम नीट की काउंसलिंग नहीं करवाएं तो क्या हमारे अगले साल नीट एग्ज़ाम देने पे कोई प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज़ मैंने ये दोनों वीडियो बनाई ना नीट बैन से रिलेटेड, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में हैं इस बात को लेकर कि क्या हम ड्रॉप लेते हैं या पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तो हमें नीट से बैन कर दिया जाएगा। तो मैं आपको इस बात का पूरा पूरा जवाब दे देती हूँ और आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है? देखो, सबसे पहली बात, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो, ठीक है, और उसके बाद आप कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अगले साल आराम से नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। दूसरी बात ये, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो पर अदर कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे भी अपने कोई स्टेट का एग्ज़ाम दे के कोई कोर्स कर रहे हो या फिर अपने आसपास के किसी बीए बीएससी कॉलेज में आपने नाम लिखा रखा है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, तीसरा सवाल ये बच्चों का होता है कि मैम, अगर हमने नीट की काउंसलिंग के थ्रू कोई कोर्स ले लिया, जैसे कि बीएससी नर्सिंग ले लिया या बीएमएस बीएचएमएस कोई भी ऐसा कोर्स ले लिया और साथ में हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इससे अगले साल काउंसलिंग में प्रॉब्लम आएगी? तो बात आती है, हाँ, यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है बताती हूँ। देखो, खास करके यूपी वाले बच्चों के लिए पहले बता दूं, फिर अदर्स के लिए अलग से बताऊंगी, क्योंकि यूपी वाले बच्चों के लिए स्पेशल रोल है, ठीक है। अगर आपने नीट के काउंसलिंग के थ्रू, नीट के एग्ज़ाम के थ्रू कोई भी कोर्स लिया है, ठीक है, खासकर यूपी वाले बच्चों ने अगर एमबीबीएस या बीडीएस लिया है, तो अगर वो बीच में छोड़ देते हैं तो उनको एक साल तक नीट का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। यानी जिस साल उन्होंने छोड़ा उसके अगले साल उन्हें नीट का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। ये यूपी वाले बच्चों के लिए है, बाकी बच्चों के लिए नहीं है। ऑल इंडिया के बाकी बच्चों के लिए क्या रूल है अभी बताऊंगी, ये सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए है। एमबीबीएस और बीडीएस अगर छोड़ा तो आपको अगले साल एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। कोई और कोर्स छोड़ते हो तो एग्ज़ाम देने दिया जाएगा नीट का, लेकिन आपको बॉन्ड फीस भरनी होगी। मेडिकल के लगभग हर एक सीट की बॉन्ड फीस होती है, बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ की बॉन्ड फीस नहीं है। हाँ, बीएससी नर्सिंग के मैक्सिमम कॉलेजेस में बॉन्ड फीस नहीं है, बीएचयू को छोड़ करके, लेकिन इसके अलावा जो बीडीएस के कॉलेजेस होते हैं, एमबीबीएस के कॉलेजेस होते हैं, आयुष के कॉलेजेस होते हैं, इनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज में आपको बॉन्ड फीस देखने को मिलेगी। तो आप एडमिशन लेने से पहले ये देख लो कि आप जो कॉलेज भर रहे हो उसमें बॉन्ड फीस है कि नहीं है। अगर है तो 10-5 हज़ार की है तो कोई बात नहीं, लेकिन 3-4 लाख 1 करोड़ तक की बॉन्ड फीस होती है बच्चों, तो आप बीच में छोड़ नहीं पाओगे, वरना उतनी फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे धीरे से गायब हो जाओ, उस कॉलेज में जाओ ही ना, तो आपको ऐसा लगे कि हमने तो एडमिशन लिया था लेकिन हम कॉलेज गए नहीं तो हमारा सब छूट गया वहाँ से, ऐसा नहीं है। आपने एक जगह एडमिशन ले रखा है तो वहाँ आपका सारा डेटा रजिस्टर्ड है, जब तक वहाँ के पोर्टल से एडमिशन कैंसिल नहीं होगा तब तक दूसरे जगह एडमिशन नहीं ले पाओगे। मेडिकल के कोर्सेज की बात कर रही हूँ, आप नॉर्मल बीए बीएससी कर रहे हो कहीं से तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, लेकिन नीट के थ्रू कोई कोर्स ले रखा है या फिर स्टेट के मेडिकल एग्ज़ाम के थ्रू कोई कोर्स ले रखा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार ये पता कर लो वहाँ की बॉन्ड फीस है कि नहीं है, वहाँ कोई पेनाल्टी फीस है कि नहीं है। बॉन्ड फीस पेनाल्टी फीस सिमिलर ही होती है, ठीक है। तो वहाँ आप ये चीज़ एक बार पता कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कॉलेज बीच में छोड़ ही ना पाओ, आपको पूरा कोर्स करना पड़े, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। और ये चीज़ सारे इंडिया के बच्चों पे अप्लाई होता है। देखो, एमबीबीएस बीडीएस वाला रूल जो मैंने एक साल से बैन का वाला रूल बताया वो सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए है, लेकिन अगर कोई भी, ऑल इंडिया के बच्चों की अब बात कर रही हूँ, अगर आपको कोई मेडिकल कोर्स आप ले रहे हो और उसको बीच में छोड़ रहे हो तो कुछ ना कुछ बॉन्ड भरना पड़ेगा, या फिर हो सकता है उसमें 2-3 साल से पहले छोड़ ही ना पाओ, ऐसा कुछ बॉन्ड हो। किसी किसी कोर्स में साल का बॉन्ड होता है कि 2 साल से पहले नहीं छोड़ सकते, 3 साल से पहले नहीं छोड़ सकते, ठीक है। किसी किसी में आपके फ़ीस का बॉन्ड होता है, तो भले ही आप नीट में टॉप क्यों ना कर जाओ, फीस या ईयर्स के बॉन्ड की वजह से आप कॉलेज नहीं छोड़ पाओगे। तो कहीं भी एडमिशन ले रहे हो तो पहले उस कॉलेज के बारे में पता करो, उसके बाद जाके एडमिशन लो, ठीक है। अच्छा,
चौथा डाउट बच्चों के मन में ये आता है कि मैम अगर हम फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करके हमें कॉलेज नहीं मिला तो वहाँ से एग्ज़िट कर जाएं तो क्या हमें अगले साल एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा? तो आंसर है बच्चों नहीं, आप फर्स्ट राउंड में आराम से निकल सकते हो। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्ज़िट का ऑप्शन आपको दिया गया है, फ्री एग्ज़िट कर जाओ, फिर आप चाहो तो पार्टिसिपेट करो, आप ना चाहो तो ना पार्टिसिपेट करो, लेकिन आपको अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड राउंड में हो जा रहा है, ठीक है? तो आपको वहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा, दूसरे राउंड में आपको कोई चॉइस फिलिंग नहीं करनी होगी, तभी आपको फ्री एग्ज़िट माना जाएगा, ठीक है? हालांकि फ्री एग्ज़िट की पूरी प्रोसीजर NTA ने बहुत अच्छे से क्लियर नहीं की है, जब तक वो दिन नहीं आ जाता तब तक थोड़ा सा वेट करो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद ही दिख जाएगा वहाँ पर क्या करना है। नहीं दिखेगा तो आप मुझसे पूछ लेना, लेकिन उस तारीख तक वेट करो, क्योंकि NTA ने बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया है कि फ्री एग्ज़िट की कम्प्लीट प्रोसेस क्या है। एज़ पर माई नॉलेज, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, फ्री एग्ज़िट का सीधा सा मतलब है कि आप छोड़ दो, आप कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट मत करो, तो आपको फ्री एग्ज़िट माना जाएगा एज़ पर माई नॉलेज। अगर वो कुछ इसमें चेंज करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूँगी, फ़िलहाल तक यही सही है। हाँ, NTA क्योंकि हर बार बदलाव, कुछ ना कुछ नया नियम लाती रहती है, तो आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मत मानो, लेकिन अभी तक यही है कि आप छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? कल को कुछ और नियम आता है तो मैं कुछ और नियम आपको बता दूँगी, ठीक? क्योंकि बच्चों मैं नियम बनाती नहीं हूँ, जो लोग बनाते हैं मेरा काम है बताना, ठीक है? मेरे बस में इतना ही है कि अभी जो नियम चल रहा है वो मैं आपको बता दूँ, क्लियर? हाँ, पर इतना जानो बाकी सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ्री एग्ज़िट को लेकर के हो सकता है आगे प्रॉब्लम आ सके, ठीक है? आगे मतलब राउंड टू में क्या प्रोसीजर रहेगी फ्री एग्ज़िट टोटली कर जाने की, वो प्रोसेस में चेंज आएगा, बाकी इन सब में चेंज नहीं आएगा कि आपने BA में एडमिशन ले लिया है तो आगे प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया आई थिंक, एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ, समझो। BA, BSc या किसी भी अदर कोर्स में जो नीट के थ्रू नहीं होता, अगर उसमें आपने एडमिशन लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस कॉलेज पे पता कर लेना उसकी बॉन्ड फीस है कि नहीं है, ठीक है? मेडिकल कोर्स में, मैक्सिमम कोर्स में बॉन्ड फीस होती है, तो मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि आपके कॉलेज की बॉन्ड फीस है कि नहीं है। इन दोनों ही केस में आपको नीट से तो बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन हो सकते हैं जिसमें आप, हो सकता है जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहीं से कुछ दिक्कत आ जाए, ठीक है? इसलिए पता करने कह रही हूँ, बाकी नीट से कोई लेना देना नहीं। अगर आप काउंसलिंग नहीं करवा रहे हो या काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड से निकल जा रहे हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नीट की तरफ से नहीं फेस करनी पड़ेगी, आपको अपने कॉलेज की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ आप एडमिशन ले रहे हो। आप पूरी तरह से ड्रॉप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, जितना मैंने नियम बताया उतना सुनो, उतने पे भरोसा रखो, उसके अलावा कुछ भी होता तो मैं ज़रूर आपको बताती, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार अपने कॉलेज पे बॉन्ड फीस का पता कर लेना, ये ज़रूरी है। ये नहीं करोगे तो आगे फंस सकते हो, बाकी नीट का एग्ज़ाम देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? काउंसलिंग करवाओ, नहीं करवाओ, फर्स्ट राउंड में छोड़ दो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ एक ही जगह प्रॉब्लम है UP वाले बच्चों के लिए, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर जाते हो तो अगले साल एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, और सीट अलॉट हो जाती है नहीं लेते हो तो अगले साल एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ये सिर्फ दो नियम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है? आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई है। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा हमेशा तैयार हैं, आपकी हर एक डाउट्स का सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग, बाय, टेक केयर।